हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि टैली की जो है, हमने पहली वीडियो दूसरी वीडियो मैंने डाल रखा है, उसमें हम आज आगे बताने वाले हैं कि जैसे उसमें मैंने कॉन्ट्रा पेमेंट और रिसिप्ट ये सारे वाउचर बताए हैं, तो आज हम लोग सेल्स वाउचर सीखेंगे, कैसे माल को बेचा जाता है। हम लोग यहाँ पे टैली को ऑन कर लेते हैं। जैसे कि टैली मैंने ये ऑन कर लिया, ठीक है। टैली ऑन करने के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने कंपनी बना के रखा है, कंपनी बन चुकी है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे सिंपल सा एंट्री करना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे और अपना रिसिप्ट वाउचर जो भी आपका मैटर है, हम पहले पैसा तो लगा लेंगे अपने कंपनी में, क्योंकि कंपनी मुझे स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो पैसा होना जरूरी है, ठीक है। तो मैं अपने कंपनी में 1,00,000 रुपये लगा लेता हूँ, ताकि इससे मैं कोई भी सामान खरीद सकूँ, कोई भी सामान बेच सकूँ। मैंने पैसा लगा लिया अपनी कंपनी में। अब मुझे करना है परचेस सेल्स वाउचर। जब हम लोग एफएट करते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ इस प्रकार से एफएट हुआ है और यहाँ पे अभी चल रहा है इन्वाइसिंग। तो इन्वाइसिंग में अभी हमें काम नहीं करना, हमें भी स्टार्टिंग बेसिक टैली सीख रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको करेंगे कंट्रोल प्लस वी। जब आप कंट्रोल प्लस वी कर देंगे तो कुछ शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा, शॉर्टकट में हो जाएगा। अब मुझे करना क्या, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एंट्री दो प्रकार की होती है, नंबर एक नगद, नंबर दो उधार। जैसे मान लीजिए उधार कैसे होगी, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये कोई कहता है कि जैसे आपकी कंपनी क्या कर रही है, राम कंप्यूटर शॉप को 5,000 रुपये का कंप्यूटर बेचा, राम कंप्यूटर शॉप को 5,000 रुपये का कंप्यूटर बेचा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, DR में उसी का लेजर होगा जो कंप्यूटर को पाएगा, जिसके पास कंप्यूटर जा रहा है। तो जा किसके पास रहा है, राम कंप्यूटर शॉप के पास। तो राम कंप्यूटर शॉप का यहाँ पे DR में लेजर बनेगा, और लेजर जो बनाने की जो शॉर्टकट कीज होती है वो होती है Alt+C। आप ऐसे बाउचर में काम करते समय आप लेजर बना सकते हैं, वो भी लेजर कैसे बनेगा, Alt+C। यहाँ पे मैंने Alt+C किया, यहाँ पे हमारा लेजर क्रिएशन खुल गया। अब इसमें मुझे करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, और अच्छा लगेगा दोस्तों तो लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा राम कंप्यूटर, ठीक है, शॉप, मैंने राम कंप्यूटर शॉप का नाम लिखा। अब उसके बाद मैंने इंटर किया, और ध्यान दीजिएगा, अगर किसी व्यक्ति का लेजर, किसी शॉप का लेजर बनाते हो जिसको बेचना है, तो उसका लेजर सन्ड्री डेबिटर में होगा। ध्यान दीजिएगा किस में होगा, मेन यही होता है कि किसका लेजर किस में जाएगा, ठीक है, मेन काम ये है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, ठीक है, राम कंप्यूटर शॉप का लेजर है और इनको माल मैं बेच रहा हूं, तो इनका लेजर सन्ड्री डेबिटर में होगा, ठीक है। मैं इंटर करते हुए बढ़ जाऊंगा, यहाँ पे इनका फुल एड्रेस वगैरह डाल देना, जैसे एड्रेस कहाँ पे है, मान लीजिए ये है बल्लीपुर के, बल्लीपुर अयोध्या, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंडिया पोस्ट, जो भी स्टेट, सॉरी उत्तर प्रदेश, पिन कोड इनका जो भी होगा 22 42 08, इंटर करते हैं। अब उसके बाद हम लोग इंटर करते हुए ऐसे बढ़ जाएंगे, ठीक है, बढ़ जाएंगे। जब इंटर करते हुए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कितने का इनको सामान बेच रहे हैं, इनको बेच रहे हैं हम लोग 5,000 रुपये का। मैंने अमाउंट डाला, फिर यहाँ पे मैंने लिखा ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट देंगे। अब क्रेडिट, यानी आप क्या बेच रहे हो, मैं बेच रहा हूँ कंप्यूटर, मेरी कंपनी इनको बेच रही है कंप्यूटर, तो Alt+C के साथ यहाँ पे बनेगा कंप्यूटर का लेजर। कंप्यूटर का लेजर हम लोग आराम से टाइप कर लेंगे, और देखिए जो आप सामान बेचेंगे उसका लेजर सेल्स अकाउंट में जाएगा, जो सामान खरीदेंगे उसका लेजर परचेस अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेल्स अकाउंट, मैंने सेल्स अकाउंट डाल दिया। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, तो अभी देखिए हमारी इन्वेंट्री नहीं चल रही है, अभी नॉर्मल CRDR में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन्वेंट्री को नो ही रखेंगे, ठीक है, इंटर करते हुए बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे आप लिखा है नरेशन, नरेशन में आज की डेट डाल सकते हैं, आज जैसे है 19/4/2023। उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेल्स, ठीक है, कंप्यूटर, कंप्यूटर, ठीक है ना, टू राम कंप्यूटर शॉप, RS कितने का, 5,000 रुपये का। ऐसे आप नरेशन में टाइप भी कर सकते हो, ठीक है। टाइप करने के बाद इंटर करना, एक्सेप्ट करना, पहली एंट्री हमारी होगी। अब दोस्तों मैं इस एंट्री को कैसे देखा जाता है, कहाँ पे दिखाई देता है, मेन ये भी होता है ना कि आपने एंट्री तो कर लिया लेकिन देखेगी कहाँ पे, तो वो चीज़ देखते हैं कहाँ पे दिखेगी। इसके बटन से बैक करना, और हम लोग आएंगे कहाँ पे, रेशियो एनालिसिस पे। ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा, है ना, स्किप मत करना, नहीं तो समझ में आएगा नहीं, तो फिर आप ये मत कहना कि सर मुझे ये टॉपिक आया नहीं समझ में, आप हैं
दोबारा बताइए, ठीक है, क्योंकि बनाने में दोस्तों बहुत ही मेहनत लगती है, ठीक है। चलिए रेटियोलाइसिस पे क्लिक करते हैं। देखिए मैंने बिजनेस जो स्टार्ट किया था वो किया था 1 लाख में, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे 1,05,000 हुआ है। मैंने अभी सामान को खरीदा नहीं है, सिर्फ बेच दिया है, तो हमारे पास सिर्फ तो कैश में आपके 5,000 एक ही लाख है ना। लेकिन अभी जो सन्ड्री डेबिटर हुआ है, जो हमने बेचा है, वो पैसा मुझे नहीं मिला है, नहीं तो हमारा कैश इन हैंड में यहाँ पे 1,05,000 हो जाता, ठीक है। वो पैसा मिलेगा कैसे, यहाँ तो दिख रहा है 5,000 रुपये का सेल, लेकिन पैसा अभी मुझे नहीं मिला, तो पैसा कैसे मिलेगा वो चीज़ देखेंगे, ठीक है। चलिए बैक करते हैं और हम लोग अपने अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे, और यहाँ पे हमारा सेल्स वाउचर है, तो वो पैसा अगर हमें लेना है तो हम लोग जाएंगे किस वाउचर में, रिसिप्ट F6, ठीक है, रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे, और जिससे हमने जिसको सामान बेचा था उसका लेजर डालना राम कंप्यूटर शॉप को, उसके करंट बैलेंस में देखिए यहाँ पे शो कर रहा है, आप इसका करंट बैलेंस यहाँ पे देख सकते हैं 5,000, तो जितना पैसा शो कर रहा है उतना पैसा लिखना ऑन अकाउंट। फिर जैसे आप लिखेंगे तो देखिए राम कंप्यूटर शॉप का डेटा 0 हो गया, यानी उसका मेंटेन हो गया बैलेंस, DR में हम लोग कैश करेंगे, हमें कैश मिला। आप देखिए अब आपके पास कितना पैसा हो गया, आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सामान बेचा है तो प्रॉफिट होना चाहिए ना। आप यहाँ पे जाइए, ये देखिए 1,05,000 हो गया कि नहीं हो गया, अब हिसाब बराबर हो गया ना, कि हमने हमारे पास 1,00,000 रुपए था, जिसमें से मैंने 5,000 का प्रोडक्ट भी बेचा, जब 5,000 का प्रोडक्ट बेचा तो हमारे पास 1,05,000 होना चाहिए। आप देखो आपके पास 1,05,000 रुपए हो गया, आई बात सुन में, ऐसे ही सारी एंट्रियाँ होती हैं। चलिए मैं एक एंट्री और करके दिखाता हूँ। हम लोग मान लीजिए अकाउंटिंग वाउचर में और F8 सेल्स वाउचर Ctrl+V करेंगे। मान लीजिए मुझे कीबोर्ड बेचना है, ठीक है, मोहन कंप्यूटर शॉप को या मोहन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को कंप्यूटर बेचा, कितने का, 12,000 का, कई सारे कंप्यूटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नॉर्मल ले लिया मैंने, DR में किसका लेजर बनाएंगे, Alt+C, मोहन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, इनको मैं माल बेच रहा हूँ, तो सन्ड्री डेबिटर में जाएंगे, किस में जाएंगे दोस्तों, सन्ड्री डेबिटर में, एंटर करते बढ़ जाएंगे, कहाँ पे है ये है मान लीजिए मिल्कीपुर, ठीक है, अयोध्या, मिल्कीपुर अयोध्या में है, ठीक है ना। उसके बाद इंडिया, उत्तर प्रदेश, जो भी पिन कोड होगा, एंटर करते हुए बढ़ जाएंगे हम लोग, और कितने का प्रोडक्ट बेचा, मान लीजिए मैंने एक ही कीबोर्ड बेचा, ठीक है, जैसे 350 रुपये का, या अच्छा वाला कीबोर्ड लिए हैं, वायरलेस कीबोर्ड है, तो मान के चलिए 1,500 रुपये, बढ़िया सा। अब यहाँ पे ऑन अकाउंट है, ठीक है, हम लोग बढ़ जाएंगे CR, क्या बेचा आपने, कीबोर्ड बेचा, Alt+C, इसका भी लेजर बनेगा ना, कीबोर्ड, ठीक है। यहाँ पे ये जाएगा सेल्स अकाउंट में दोस्तों, इन्वेंट्री नो रहेगी, बढ़ जाएंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं आज की डेट डाल सकते हैं 19 है ना, 4/2023 है ना, सेल्स ऑफ कीबोर्ड है ना, सेल्स टू कीबोर्ड, या कुछ भी लिख सकते हो, सेल्स कीबोर्ड RS कितना, RS, या यहाँ पे लिख सकते हो सेल्स कीबोर्ड टू किसको बेचा, मोहन है ना, मोहन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, उसके बाद यहाँ पे RS आप लिख सकते हैं 1,500 रुपये, ठीक है, 1,500 मैंने लिखा, एंटर किया, ये मैंने बेच दिया। अभी इसका पैसा अभी भी नहीं मिला होगा, पैसा लेने के लिए रिसिप्ट वाउचर ओपन करना, और ये जो है मोहन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के पास 1,500 रुपये लेना है, कि हिसाब में लिखा हुआ है, एंटर करेंगे ऑन अकाउंट, और यहाँ पे DR में हम लोग कैश ले लेंगे, तो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। तो हमें लगता है एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका इसमें खरीदने का है, सॉरी बेचने का है, कि जैसे इसमें पूछ लिया गया, इसमें जैसे पूछ लिया गया कि 5,000 रुपये का CPU बेचा, ऐसे पूछ लिया गया, नगद बेचा 5,000 रुपये का CPU नगद बेचा, अब आप एंट्री कैसे करेंगे, ठीक है, CR में ध्यान दीजिएगा, Ctrl+V करते हैं, आप जो चीज बेचे हैं, जैसे आपका यहाँ पे आ गया सेल्स वाउचर, आपको करना क्या है, 5,000 रुपये का CPU नगद बेचा आया है, तो DR में जब आप नगद बेचोगे तो आपको तुरंत वहां पे क्या मिलेगा, कैश मिलेगा, क्या मिलेगा, कैश, ठीक है। यहाँ पे मैं कैश लिया, और ध्यान दीजिएगा, अगर जैसे अंकित को मैंने नगद बेचा 5,000 रुपये का कंप्यूटर, तो यहाँ पे अंकित का नाम भी बायर्स में पड़ जाएगा, तो खरीदने वाला अंकित है, एड्रेस कहाँ का है, ये मान लीजिए चमैला का है, ठीक है ना।
अब उसके बाद चमेला मैंने डाल दिया, एंटर करते हुए बढ़ जाएंगे। अब उसके बाद कितने का बेचा, 5000 रुपए का। अब देखिए ये आपको पैसा लेना नहीं पड़ेगा और ऑटोमेटिक आपके कैश में जुट जाएगा। देखिए आपका करंट बैलेंस यहाँ पे देख सकते हैं 1,06,500 हुआ है, यानी कि 1,05,000 पहले था, 1,500 रुपए भी उनसे लिया था तो इतना हो गया। अभी देखिए जैसे मैं यहाँ 5,000 इंटर करता हूँ तैसे 1,11,500 हो गया, यानी हमें वहाँ पे रिसिप्ट वाउचर में जाके इनसे पैसा लेना नहीं पड़ेगा। ये एक प्रकार का नगद बेचना हुआ, ठीक है। उसके बाद सीआर में हम लोग डाल देंगे क्या, जो चीज़ आपने बेचा। अल्ट प्लस सी, हमने बेचा सीपीयू। सेल्स अकाउंट में एंटर करते हुए बढ़ जाएंगे, ठीक है। एक्सेप्ट, ये हो गया बेचना। अरे बस सुनिए, एक एंट्री और करके दिखाते हैं। आप ऐसे कई सारे एंट्रियाँ बना के आप अपने कंप्यूटर में कर सकते हैं। हम जैसे बताते हैं यहाँ पे, मान लीजिए कैश मैंने मान लीजिए बेचा मोहिनी या मोहन को, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ के हैं एड्रेस, अगर आप पता है तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। एंटर करते हुए बढ़ जाएंगे। कितने का बेचा, 15,000 का बेचा, 1,500 का बेचा, क्या बेचा, मान लीजिए वही प्रोडक्ट बेचना है, कंप्यूटर बेचना है, तो आपको बना है, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक नाम का लेजर दोबारा टैली में नहीं बनता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मल सा वही डाल देंगे और आराम से बेच दिया, ठीक है। इनको भी मैंने कंप्यूटर बेचा, ये बेचना है।